श्री अकाल गाइस, की हाल चाल। आई होप तुसीं सब वधिया होवोगे, सारे चढ़दी कला विच होवोगे। एंड गाइस, अज दा आपां व्लॉग फिर शूट करन जा रहे हां। अज आपां नवीं डेस्टिनेशन ते चले आ, तां ओह अपने कोई खास दूर नहीं है घर तों, तां चलो तुहानूं उत्थे जाके तुहानूं दिखांदे आ किद्दां दी हैगी डेस्टिनेशन। एंड आपां हुण असीं घरों निकल लगे आ, असीं रेडी हो चुके आ तिन्ने जणे, मैं, मणिवीरा ते सनी। जिवें तुहानूं आपां दस्सिया कि आपां राइड ते जा रहे आ, साडा हेलमेट देखो खराब हो चुक्या, मतलब डस्टी डस्टी हो रखा इन्हों। हर बार असी मतलब हर हफ्ते बाद इन हाथ लाई दा, तो सोचा कि आपू क्लीन कर दिता जाए तो जो आपको प्रॉब्लम ना आए अगे विजन च। लो जी गाइस, जिवें असीं तुहानूं दस्सिया सीगा कि असीं ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, बस नेड़े ही जा रहे हां। तां असीं जा रहे सीगे अपने शहर के बिल्कुल इत्थे हुसैनी वाले बॉर्डर ते, जो कि मेरे पिछे बिल्कुल लिखा आ रहा कि 5 किलोमीटर रह गया जी बस। बाकी तुहानूं उत्थे जाके दिखाने आ कि किद्दां दा माहौल हैगा जी उत्थे। फाइनली सानूं साडा चाचा मिल गया जी, तां इह चाचा लभदे लभदे इन्नी दूर आ गए, पर पहुँच गए। तां इत्थे जिहड़ा अपना लास्ट इंडिया दा स्टेशन है जी हुसैनी वाला, तां असीं इत्थे पहुँच गए। तुसीं मेरे पिछे देख सकते हो कि यह अपना रेलवे स्टेशन हैगा जी। हुसैनी वाला बॉर्डर स्टार्ट हो गया ते आ गए पार्किंग, जो असीं गड्डी पार करती ते आपणी बाइक्स भी पार करतियां ने, ते बाकी हुण असीं जा रहे अगे। असीं जा रहे ओह पार्क च, तां उत्थे सारे जणे खेल खूल रहे ने, आपदा फंक्शन कर रहे ने, तां सोचा आपां वी आपदा फंक्शन करिए। खाण पीण लई आपां लैके आए हां, ओह आपां हुण खा पीवांगे। तो इनफॉर्मेशन जिन्नी भी हुई सानू साढ़े को मतलब तुम दसन लिए आप जरूर दसागे जी। काफ़ी खुले स्पेस हैगी है, इधर इधर भी एक्चुअली पार्किंग आ ज़्यादा ओवर हो जाती है, तो फिर इधर ही ला देंगे ने गड्डिया। तो देखो जी कि वधिया माहौल हैगा इतों का। गोलियां खाना पीना कर रहे हैं, भुख ही आई थी सच्ची। कुरकुरे एंड बाबा जी पीनट्स पीनट्स जो कि लै के आई शिकंजा। गेयर तुम पहला गेयर कदी पाया नहीं, जिन्हें तुहानू कहा सही कहा पहला गेयर पाया कर। जा रहे हैं अंदर जिथे परेड होंगी है, तो आधार कार्ड अं लैके नहीं आए, चाचा ही लैके आया कल आधार कार्ड, तो चाचे नहीं अगे भेजा पोपड़ कट चुका है, क्योंकि वह दस रहे ने कि दसा जाए। चाचा कह सके करोना की वजह करके कहते भी अगे ही जान देना अगे जनरल हाँ बंद किया हो करोना करके। पार्किंग वेखो पहला जो अं आए उदो कोई नहीं इन्ना है, खास प्रोग्राम होना पूरा भरया पाया जी। क्या साढ़े सब्सक्राइबर मिले ने राह चेतन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सानू पता लगा जी नॉर्म कुकू जी आ रहे ने बॉर्डर ते, मिलने वास्ते स्पेशल उन्होंने आए हैं। बोटिंग बाटिंग करांगे, बोटिंग वाला सिस्टम वेख लो पानी खाली होया भाई, कुछ नहीं है विच ते पानी भी नहीं है। तो आप बाद सोचा ही कि आप चलो आप चाचा की कहते होंगे, मेरी गल सुनो जो आप अगे जाने उ शिकंजा विच जाने की कोशिश कर रहा, ओ लै ओ शिकंजा ध्यान के भरावा शिकंजा गया जी विच। मणि मेन लादा ओ वेखो जी, मणि छाल मारन की पूरी उन्दे च होया पिया, उपरों छाल मारेगा थले
पानी च पानी है। कोई ना गाइस चलो जिदा भी है आप सार रहे हैं एंड मेरी गल सुनो बाकी आप इंस्टाग्राम से फॉलो कर लियो बिकॉज आप अज वाली फोटोज उत्ते इंस्टाग्राम से पाउन लगे मेरा अकाउंट तुम्हें पता ही है मैनशन होएगा। लो जी अपने फिरोजपुर के मौजूदा एम एल ए परमिंदर सिंह पिंकी जी एंड फाइनली असं जा रहे हैं समाल के कॉलेज समाल के कॉलेज कह सकते हैं स्मारक जिन हाँ जी हाँ जी हाँ उत्थे जा रहे हैं आज देखो शूज़ वगैरह बड़े उतरे हुए हैं असं भी आपके शूज़ उतारन लगे हैं पिछे सानू वाली ट्रेन देख रही है ये हले वो मतलब पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट हले स्टार्ट करना वा जी ट्रेन आ ये बैठन तो इस टाइप लगता भी जिमें आप ट्रेन बैठ गए ट्रेन कंटिन्यू रनिंग कर रही है अच्छा उदा प्रॉपर दिखेगा है ना प्रोपर प्रोपरली और चलो विजिबिलिटी ये हैगी है कि जिमें जिमें ट्रेन अगे ले जाएगी है ना उदा उदा सानू दिखेगा ना मतलब कि अपना जिदा रोड मतलब ट्रैक पूरा उदा ना इधर उधर वाला दिखेगा ना कल्चर दिखा रहे हैं अभी जो जिमें लाहौर में जा रही है अच्छा 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 पुराना कल्चर दिखाएंगे चलो कोई नहीं जदों भी है ना सिस्टम दिखा रही है ट्रेन गोलियां निशान दिखाई सी बाहरों तो एक होर देख लो अंदरली साइड तो क्लोज अप इत्थे कर लेना आ जाओ आ जाओ आ देखो ये सारे गोलियां दे निशान सीगे तुसीं देख सकदे हो ये स्टेशन आ ते आ देखो जी तिरंगा भी लाने जी अपना देश का झंडा और देखो लाया हो बाकी एक जगह वीरे सानू पता नहीं ट्रेन हां देंदे ने तो सू ट्रेन का पता लगा कि अभी नाल आप दिखा रहे हैं देखो ट्रेन उदा ही प्रॉपर अंदरों दिखाई हुई बनाई हुई है तो जी तुम असं ट्रेन दिखा रहे ना तो उ है जी तो इन देखो जी ट्रेन च पूरा प्रॉपर फील आ रहा ना कि आप चल रही है ना ट्रेन तू आ रहा फील बस जंग आजादी ही नहीं और भी कई जायके मशहूर इतों के मशहूर जायकों नमक मंडी कराई कबाबिया दीवाना करन दा मादा रख दिया लाहौर बारे एक कहानी बहुत मशहूर है जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं मतलब जिस व्यक्ति ने लाहौर नहीं देखा उसने जन्म ही नहीं लिया कद दिल्ली सल्तनत को इस शहर लंगूर नाम दिता सी सनातनी मानतावां नूं मन्नण वाले इस नूं लवपुर जां लवपुरी कहिंदे हन जो राम सीता दे पुत्र पाकिस्तान च घूम रहे हैं ना मैं लाहौर मशहूर होया लाला लाजपत राय के सरकार कमीशन में खिलाफ बगावत और उस बाकी चार बल्कि शोले होर पड़क दे अति होया भी इसे ही तरह इस घटना ने आजादी की लड़ाई में होर बढ़ा दिता ते हुण अपनी यात्रा नु जारी रखते हुए असी अगे चलते हैं पहुंचते हाँ अगले स्टेशन से जिसका नाम लव दे भरा उस दे नाम से कई कशावत रखा गया अगे कशावत नु कसूर आ गया जी क्या बात है एक बेहतरीन खुशबू जिस मसाले नु असी कसूरी मेथी दे नाम तो जानते हैं वो इत्थों ही चली है खैर गल सिर्फ मसालियां भी ही नहीं थोड़ी खुदाया भी कसूर शहर मशहूर पीर बुढ़े शाह अते बाबा फरीद का शहर है कई पीरां दी मजारा नाल रोशन इस शहर नूं पीरां दा शहर भी कहा जांदा है इन्हां गलियों दे विच बुढ़े शाह दे शेर दे अशआर भारतीय संगीत दी धुन विच सराबोर हो के सुनन नूं जदों मिलदे हन मानो रूह तक सुकून मिल जाता है कसूर दे विच श्रीमान जी साहिब गुरुद्वारा भी है
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸੇ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਸਮਾਧੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇ 71 ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਝੇਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦੁਰ ਰਿਸਲਦਾਰ ਮੇਜਰ ਗੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੰਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ 65 ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰੋਂ ਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਪਾਊਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ।